नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स यानी तेजस्वी मन की हिंदी में समरी जानेंगे। कलाम कहते हैं कि एक विशाल जहाज की कल्पना कीजिए जिसके अंदर सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं लेकिन दिशा सूचक नहीं है, तो कहां लेकर जाएगा? तो दिशा होनी जरूरी है। युवाओं को खास तौर पर दिशा चाहिए। दिशा कौन दिखाएगा? अच्छे विचार दिखाएंगे, किताबें दिखाएंगी, बड़े दिखाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है। उपलब्धियां, कलाम कहते हैं जब बच्चे मुझे पूछते हैं कि पिछले 40 वर्षों में मुझे किसने सबसे ज्यादा खुशी दी, उपलब्धियां तो बहुत करी, तो मैं उन्हें बताता हूं कि मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब मैं हृदय रोगियों को अपनी धमनियों में कलाम राजू कोरोनरी स्टंट लगाए हुए और विकलांग बच्चों को लाइट वेट फ्लोर कैलिपर्स लगाने के बाद उनकी तकलीफों को हल्का होते हुए देखता हूं। ये दोनों ही प्रेक्षा पास्त्र तकनीक की मदद से हमें मिले। कलाम ने मिसाइल बनाते बनाते इन दो मेटल्स को खोजा, उससे कैलिपर्स बनाए विकलांगों के लिए और एक स्टंट बनाया सस्ता। ये सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, उनकी सोच देखिए। कलाम नहीं मानते कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। इसलिए भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। खुद प्रकृति कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, वह कुदरत से सीखने के लिए बताते हैं। हर मौसम में आपको रंग बिरंगे फूलों की बहार मिलेगी, या फिर ऊपर की तरफ ही देखें, आपको अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई देगा, आपके यकीन से भी दूर तक। कलाम कहते हैं स्वप्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपनों से ही क्रांतिकारी विचार आएंगे और विचार कर्म के लिए प्रेरित करेंगे। एक बार एक बच्चे ने कलाम से पूछा कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक, अब बच्चे तो बच्चे हैं, कि पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा। कलाम ने सोचा कि विज्ञान की बुनियाद तो जिज्ञासा पर टिकी है और बच्चों से ज्यादा जिज्ञासा किसी में होती नहीं, इसलिए दुनिया का पहला वैज्ञानिक कोई बच्चा ही होगा। एक अन्य बच्चे ने पूछा, बहुत दिलचस्प सवाल था, मुश्किल सवाल था, कि ब्रह्मपुत्र में हर साल बाढ़ आती है, हजारों सैकड़ों लोग बेघर होते हैं और इसका पानी समुद्र में जाकर गिर जाता है, ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त पानी को हम राजस्थान और तमिलनाडु जैसे पानी की कमी वाले राज्यों को क्यों नहीं बेच सकते हैं? कलाम कहते हैं कि सवाल इतना जबरदस्त था कि मैं अवाक रह गया। मैं तो क्या प्रधानमंत्री भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। क्यों? अब बच्चे को कैसे समझाया जाए कि नदियां राज्यों का विषय है और राज्य अपने नदी जल को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। उन्हें लड़ने से फुर्सत मिले तो देश का सोचे। कलाम 13 जून 2001 को अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर के प्रमुख स्वामी जी से मिले और उनसे सवाल पूछा। उनका शौक था, सभी धर्मों के लोगों से भी मिलते थे। कलाम ने पूछा कि हमारा अगला सपना क्या हो सकता है। टाइफैक्ट, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कास्टिंग एंड असेसमेंट
काउंसिल के 500 सदस्यों ने इसके बारे में विचार किया और भारत में परिवर्तन लाने के लिए 5 विशेष क्षेत्रों की पहचान की। पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य, दूसरा है कृषि, तीसरा है सूचना संचार, चौथा ढांचागत और पांचवा है महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। स्वामी जी ने एक बिंदु एक छठे पॉइंट की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, लोगों का ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आगे बता। स्कूल कॉलेजों में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का भी पढ़ाया जाना जरूरी है विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए। 3 तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, गुणी व्यक्ति, गुणी नेता और गुणी अफसर अधिकारी। यदि 3 प्रकार के लोगों की संख्या समाज में बढ़ जाएगी तो भारत जगत गुरु बन जाएगा। कारण क्या है? जब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा और ताकत मिल जाती है तो वह बर्बादी, बेचैनी और विनाश के रास्ते पर बढ़ने लगता है, क्योंकि वह नियंत्रण खो देता है। आध्यात्मिकता हमें यह संतुलन सिखाती है। कलाम अपनी आदतों के बारे में बताते हैं कि पैदल चलना मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं इस बात की कोशिश करता हूं कि 5 किलोमीटर की सैर करूं। मैं विशेष रूप से सूर्योदय का सौंदर्य, सूर्य उदय होने से ठीक पहले की लालिमा को देखने के लिए उत्साहित रहता हूं और मेरे कान उन आवाजों को सुनने के अभ्यस्त हो चले हैं जो इस ग्रह पर नए दिन का स्वागत करती हुई प्रतीत होती। जितनी बार भी मैं इस घटना को देखता हूं, ठंडी हवा, पक्षियों का चहचहाना और सूरज का उगना, तो ये देखकर ठगासा रह जाता हूं कि इन सभी को एक साथ संभव बनाने के लिए प्रकृति ने कितने प्रयास किए होंगे। तब मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक घटना का जिक्र करते हुए कलाम बताते हैं, उड़ीसा के चंडीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज बनाने के लिए कुछ द्वीपों का उन्होंने निरीक्षण किया। ये मिसाइल परीक्षण के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, लेकिन एक समस्या थी, जमीन अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग की अनुमति की जरूरत थी और इसकी लंबी प्रक्रिया थी। कलाम ने मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को इस बारे में अनुरोध किया और बीजू पटनायक ने 10 दिन के अंदर अंदर डीआरडी को यह जमीन ट्रांसफर भी कर। ये वही बीजू पटनायक थे जो एक पायलट भी थे और अपने मित्र सुकर्णा से मिलने के लिए कलिंग एयरवेज का जहाज उड़ाकर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए थे। सुकर्णा के यहां बेटी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने मित्र बीजू पटनायक से कहा कि कोई अच्छा सा नाम बता। उस समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे, इसलिए बीजू पटनायक ने सुझाव दिया कि बेटी का नाम मेघावती रखा जाए। इस प्रकार दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के नेता की बेटी का नाम
हिंदू रखा गया। मेघावती बड़ी होकर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बने। कलाम कहते हैं, महान लोगों के लिए धर्म दोस्ती कायम करने का एक तरीका है और छोटे लोग इसे झगड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई मिसाइलों के विकास के हिमायती कलाम कहते हैं कि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है, कमजोरी नहीं। इसलिए भारत को सैन्य और आर्थिक रूप से ताकतवर होना बहुत जरूरी है। कलाम के अनुसार विकसित भारत एक शहरों का देश नहीं होगा, बल्कि समृद्ध गांवों का एक तंत्र होगा, जाल होगा। इससे गांव से शहर में होने वाले पलायन को किसी हद तक रोका जा सके। जहां कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था कुशल होती है, शिक्षा का स्तर ऊंचा और विकास कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, कलाम मानते हैं कि वहां प्रगति की रफ्तार तेज होती है। कलाम जहां भी जाते थे, लोगों से मिलने का और विभिन्न स्थानों को देखने का अवसर नहीं छोड़ते थे। अक्सर लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि ईद के अवसर पर आप कौन सी दुआ मांगते हैं, तो कलाम ने कहा, मैं अपने अध्यापक दोस्तों और संबंधियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ ये प्रार्थना भी करता हूं कि हे अल्लाह, मेरे देशवासियों के मन में ऐसे विचार और कर्म जगाओ कि वे मिलजुल कर रह सके। मेरे देश के सभी धार्मिक लोगों को ऐसी शक्ति के लिए प्रेरित करो जिससे विभाजन की ताकतों पर विजय हो सके। नेताओं और जनता के मन में ये भाव जगाओ कि देश किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। अल्लाह मेरे लोगों को, देश को समृद्ध बनाने के लिए कर्मशील बनाओ। इस तरह की बहुत सी बातें कलाम अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड या तेजस्वी मन में करते हैं। 2 दिन में पूरी की जा सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, सरल भाषा में लिखी गई है और तकरीबन सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बच्चों को गिफ्ट देने के लिए भी अच्छी किताब है। आपका दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरे। नमस्कार।